हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को साथ बात करूंगा अशोक लेलैंड जो कि एक कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं अशोक लेलैंड एक जो कि कार कंपनी है, इसके लिए यहाँ पे जो कार कंपनी है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कि एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते हैं ऑल ओवर इंडिया में इसका जो कि बिजनेस होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में एम्प्लॉय जो कि हायर होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा रिसेंटली क्या क्या पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है, कौन किस तरह की रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकला हुआ है, कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते, सब कुछ डिटेल में। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देख के उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते किस तरह से मैं आप लोग को दिखाई दे रहा हूँ। तो दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे करेंट ओपनिंग में आपको क्लिक कर देना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो जो रिसेंटली पोस्ट जॉब यहाँ पे आपको वो सब मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है जॉब यहाँ पे आप लोगों के साथ सामने चला आएगा। उसके बाद मैं वन बाय वन आप लोगों के साथ बताऊंगा कि कौन सा पोस्ट किस तरह की जो कि एम्प्लॉय आपको हायर होता है और कौन कौन क्या क्या क्वालिफिकेशन जो कि यहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है। तो दोस्तों, इसके अलावा आपको अगर अप्लाई करना होता है तो आपको ऑनलाइन आपको जाके ऑनलाइन में आपको अप्लाई करना होगा, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। आपको जस्ट अशोक लेलैंड के करियर पेज में जाके आपको अप्लाई करना होता है। अशोक लेलैंड के आपको ऑफिशियल पेज में जाके करियर ऑप्शन ढूंढ के आपको वहाँ पर इसका जो कि रिसेंटली जो जो पोस्ट हुआ है आपको वहाँ पर आपको क्लिक कर देख सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर नेटवर्क स्लो होने की वजह से यहाँ पर जो कि ओपन होने में थोड़ा देर लग रहा है, तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे स्किप कर लेता हूँ। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट जो डिटेल्स है मैं उनको मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, इसका नेक्स्ट पेज में आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो जो यहाँ पे रिसेंटली पोस्ट हुआ है, रिक्रूटमेंट आया है उसका डिटेल। तो दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया से ये इसका जो रिक्रूटमेंट होता है, तो दोस्तों मैं अभी आप लोग को बताऊंगा कौन कौन सिटी या कौन कौन स्टेट से यहाँ पर जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है जॉब। तो फर्स्ट पोस्ट जो है यहाँ पर आपका डिप्टी मैनेजर ट्रेनिंग के, जिसका जॉब लोकेशन रहेगा विजयवाड़ा इंडिया। उसके बाद जो है डिप्टी मैनेजर चेन्नई इंडिया। उसके बाद अकाउंट मैनेजर LHP रांची, HHP चेन्नई, जिसका जॉब लोकेशन चेन्नई में रहेगा। उसके बाद सर्विस इंजीनियर, जिसका आपको जॉब लोकेशन रहेगा गांधीधाम। उसके बाद है डिप्टी मैनेजर ट्रेनिंग विजयवाड़ा। उसके बाद है एरिया मैनेजर राजकोट। तो दोस्तों, इस तरह से आपको देख सकते हैं ऑल ओवर जो कि ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे जो सिटीज़ या स्टेट है उसमें आपको यहाँ पे आपको जो 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 रिक्रूटमेंट है आपको मिल जाएगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई के जो आपको बटन आ रहा है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका जो नेक्स्ट अप्लाई के पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। वो ओपन हो जाने के बाद आपको वहाँ से आप अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे एक अकाउंट जो कि आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो कि अप्लाई कर सकते। तो अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे आपको क्रिएट एन अकाउंट, जिसको आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक जो कि अकाउंट आएगा, जिस अकाउंट में आपको यहाँ पे क्लिक करना अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद आपको इसका अकाउंट बनाने के लिए आपको या इसके बाद आपको जो कि लॉगिन करके उसके बाद आपको जो कि इसका फॉर्म जो है आप फिलअप कर सकते हैं। तो अकाउंट जो कि ओपन करने के लिए यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस, आपका रिटाइप योर ईमेल एड्रेस, चूज पासवर्ड, उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड इसका जो आई एम यहाँ पे जो दिया है सिक्योरिटी गार्ड के आई एम नॉट अ रोबोट, इसको आपको क्लिक करके क्रिएट अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा आपको जॉब के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे उसके बाद जो जो एप्लीकेशन के एक फॉर्म आएगा, जिस फॉर्म को आपको आपका पर्सनल डिटेल्स एंड आपका एजुकेशनल डिटेल्स एंड वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप अप्लाई उस सब कुछ डिटेल देख के आपका जो फॉर्म है आप सबमिट कर दीजिएगा। इस तरह से जो कि आपको यहाँ पे जो जो रिसेंटली पोस्ट है आपको अप्लाई कर सकते हैं।